हेलो जी, नमस्ते। स्वागत है आपका आज की इस खतरनाक बरसाती वीडियो में। तो दोस्तों, 36 घंटे से ऊपर हो चुके हैं अभी और लगातार बारिश जारी है अभी भी 36 घंटे से ऊपर। अगर इतनी बारिश किसी शहर में हो जाए, मैदानी क्षेत्र में हो जाए, तो पूरा एक शहर डूब ही जाएगा। तो इतनी बारिश यहाँ पर हो चुकी है। मगर पहाड़ों में क्या है कि जल भराव नहीं होता है ज़्यादा, यहाँ जल बहाव होता है। झरनों के, गधेरों के, नदियों के माध्यम से पानी बहुत फ्लो के साथ बह जाता है, तो उससे भी खतरा रहता है जो भी उसकी चपेट में आता है, आदमी हो, मकान हो, जानवर हो, सड़क हो, गाड़ियां हो, ले जाता है, बहा जाता है, तो इस चीज़ का भी डर रहता है। तो दोस्तों, जैसे आप देख रहे होंगे कि पूरा कोहरा कोहरा लगा हुआ है, तो भाई दो दिन से यही सीन है। मतलब कुछ सामने के पहाड़ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सारा कोहरा है। और यहाँ देखिए, हमारे सगोड़े में घर के पास ही एकदम ये हमारा घर, और यहाँ पर ये भूस्खलन हो चुका है, लैंडस्लाइड हो गया। ये देखिए, ये खेत हमारा दरक रहा है, धीरे धीरे और भी दरकेगा। और ये टंकी है, और सबसे ज़्यादा ख़तरा इसका है, ये टंकी भी जाएगी यहाँ से, बस इतनी सी दूरी पर है ये। और अभी यहाँ तक दरारें आई हुई है कुछ कुछ, जो ये हिस्सा है आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मगर ये पूरा हिस्सा जा रहा है दरक के नीचे। तो इतना तो चला गया है, देखिए नीचे के खेत में टूट रहा है यहाँ से, देखिए ये देखिए दरारें। तो समझ सकते हैं घर को भी खतरा है पूरा, और ये पानी की टंकी का भी पूरा खतरा बना हुआ है। और दोस्तों, सामने के पहाड़ पर जगह जगह पर झरने भी फूट आए हैं, छोटे छोटे झरने, और अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं कोहरे की वजह से। और नीचे एक गधेरा है हमारा, तो उसमें तो बहुत ही ख़तरनाक पानी है भाई। मैं आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पर ये जो दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर, यहाँ थोड़ा सा, क्योंकि काफ़ी दूर है, नीचे हैं काफ़ी हमारे गांव से, तो उतना नहीं दिखाई दे रहा है। तो मगर इसका शोर जो है कि यहाँ तक आ रहा है, और रात को और ज़्यादा सुनाई देता है, क्योंकि रात को तो सुनसान रहता है, तो रात को ये आवाज़ और ख़तरनाक लगती है, पानी का बहता हुआ शोर। तो इतना तो यहाँ आ रखा है छोटी छोटी नदियों में। तो सोचिए आगे फिर एक नयार नदी है हमारी सतपुली की तरफ, उसमें कितना होगा। और फिर आगे अलकनंदा, भागीरथी, और जहाँ संगम होता है, गंगा बनती है, वहाँ कैसा भयावह दृश्य होगा, कैसा मंजर होगा, मतलब कल्पना कीजिए। तो यार, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है पहाड़ में, लगभग सभी जगह ही हो रही होगी। उत्तराखंड में 36 घंटे से ऊपर हो चुके हैं, बारिश लगातार थमने का नाम नहीं ले रही। तो दोस्तों, अभी बारिश अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। मैं सोच रहा था बारिश रुकती तो थोड़ा इधर उधर जाकर और देखता मैं, जैसे जल स्रोतों में कितना पानी आया है, पंदेरों में, पंदेरे भी आ गए होंगे, बहुत ज़्यादा पानी उनमें बढ़ गया होगा, और नदी भी साफ दिखाई देती तो उसका भी दिखाता। और सामने कुछ झरने भी फूट रखे हैं सामने वाले पहाड़ पर, उनको भी जूम करके दिखाता, मगर बारिश अभी रुक नहीं रही है। तो मैं इसके लिए फिर एक नई वीडियो बनाऊँगा कल के लिए। तो आज की इस वीडियो को बस इतना ही करना चाहूँगा। और दोस्तों, क्या आपके यहाँ भी ऐसी ख़तरनाक बारिश हो रही थी, तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।